हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे Z5 ओरिजिनल की फिल्म चिंटू का बर्थडे को। तो चलिए शुरू करते हैं। विनायक पाठक, सीमा पहा, स्टारर मूवी चिंटू का बर्थडे 5 तारीख को Z5 ओरिजिनल पे रिलीज हुई थी। और जैसा कि हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इस मूवी का मेन इवेंट है चिंटू का बर्थडे। ये कहानी 2004 में इराक में रहने वाली एक बिहारी फैमिली की है जो कि अपने बेटे का 6th बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब दो अमेरिकन आर्मी सोल्जर्स उनके घर आ जाते हैं, क्योंकि उस समय इराक में सद्दाम हुसैन और अमेरिकन आर्मी के बीच वॉर चल रहा था। उसके बाद ये लोग उन आर्मी ऑफिसर से कैसे डील करते हैं और क्या ये लोग चिंटू का बर्थडे सेलिब्रेट कर पाते हैं, ये इस मूवी की कहानी है। ये मूवी कई तरह के मैसेज देने का भी ट्राई करती है, जैसे कि अगर आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया हो तो आपके साथ भी कभी गलत नहीं होगा, और अमेरिकन और सद्दाम हुसैन के बीच हुई लड़ाई के कारण नॉर्मल सिविलियंस को कितनी प्रॉब्लम हुई थी, ये मूवी इस पर भी फोकस करती है। और अगर हम इस मूवी के स्क्रीन प्ले की बात करें तो वो भी काफी अच्छा है। हर सिचुएशन को इतने अच्छे से सेटअप किया गया है कि हम हर एक मूवमेंट को फील कर पाते हैं। और अगर हम एक्टर्स की एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स ने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है, चाहे वो विनायक पाठक हो या वो दोनों आर्मी ऑफिसर्स, सभी ने अपने कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से प्ले करा है। लेकिन इन सब अच्छे एक्टर्स पर भी भारी पड़ते हुए दिखे हैं वेदांत यानी चिंटू और बिसा यानी लक्ष्मी, जो कि चिंटू की बड़ी बहन है। इन दोनों ने ही मेरा दिल जीत लिया है। और इस मूवी के डायरेक्टर्स की बात किए बिना ये रिव्यू कम्प्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि सत्यांशु सिंह और देवांश कुमार जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उनका काम भी लाजवाब है। मेरी तरफ से ये 1 घंटे 20 मिनट की मूवी पूरी तरह से रिकमेंडेड है। अगर आपने ये मूवी चिंटू का बर्थडे देख लियो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी हो तो ये मूवी आपको Z5 ओरिजिनल पे मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।